हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं प्रशांत कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आरपी पब्लिक स्कूल जोगीठेर सिविगंज बरेली में। तो आज हम लेकर आए हैं केमिस्ट्री क्लास 12th का चैप्टर नंबर 8 एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आज इसमें हम एल्डिहाइड और कीटोनों को बनाने की विधियां मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो बिर्चन की विधियां, तो यहां पर एल्डिहाइड्स और कीटोन को बनाने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो इनमें कुछ मेथड्स ऐसे हैं जिनसे हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को बना सकते हैं, कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनसे हम केवल एल्डिहाइड्स का निर्माण करते हैं, कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनसे हम केवल कीटोन का ही फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यहां पर अभी वह अभिक्रियाएं देखते हैं जिनसे हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का ही निर्माण कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो विधि है वह है अल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा, अल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा। किस तरह से ऑक्सीकरण करना है? तो जब हम अल्कोहल का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है RCH2OH, ये अल्कोहल है। तो जब हम प्राथमिक अल्कोहल, यहां पर ये प्राथमिक अल्कोहल है, प्राथमिक अल्कोहल का पोटेशियम डाइक्रोमेट या फिर सोडियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में उसका फॉर्मूला होता है ये कैसा होना चाहिए? अम्लीय। तो यहां पर H2SO4, इसका अम्लीय सॉल्यूशन की उपस्थिति में जब इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं प्राथमिक अल्कोहलों का, तो हमें यहां पर RCHO, ये एल्डिहाइड की प्राप्ति होती है। एल्डिहाइड्स यहां पर हमें फॉर्म होते हैं। अगर हम इसके स्थान पर द्वितीयक अल्कोहल लें, जैसे RCHR-OH, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, द्वितीयक अल्कोहल है, जब इसका हम ऑक्सीडेशन कराते हैं इसी की उपस्थिति में, तब हमें कीटोन प्राप्त होता है। RC OR R-, तब हमें यहां पर ये जो है ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है और ये ऑक्सीजन, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? कीटोन। तो जब हम प्राथमिक अल्कोहलों का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें एल्डिहाइड मिलता है, और जब हम सेकेंडरी अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें कीटोन प्राप्त होता है। ये अभिक्रिया हम PCC के माध्यम से भी कर सकते हैं। अगली जो विधि है दूसरा वह है अल्कोहलों के ऑक्सीकरण नहीं करना है, यहां पर हमें उनकी वाष्पों को धातुओं पर प्रवाहित करके, तो अल्कोहलों के धात्विक बीहाइड्रोजनीकरण द्वारा, बीहाइड्रोजनीकरण का मतलब है हमें हाइड्रोजन उन अल्कोहलों से करना है। तो किस तरह से करना है? तो जब हम प्राथमिक अल्कोहल लेंगे जैसे RCH2OH, इन प्राथमिक अल्कोहल
कि वाष्पों को जब हम कॉपर या फिर सिल्वर इनमें से कोई सा भी एक धातु ले सकते हैं, पर हम क्या करें इनको इनकी वाष्पों को प्रवाहित कराएं, तो हमें क्या होगा यहां से इनके हाइड्रोजन का विस्थापन हो जाएगा, मींस हाइड्रोजन निकल जाएगी और हमें प्राप्त होगा RCHO, जिसे हम बोलते हैं एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का निर्माण हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम यहां पर द्वितीयक अल्कोहल लें, जैसे RCHR- और यहां पर OH, ये कैसा है सेकेंडरी अल्कोहल। जब हम यहां पर सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं और इनकी वाष्पों को जब हम कॉपर या फिर सिल्वर पर प्रवाहित कराते हैं, तो इनसे हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है और हमें प्राप्त क्या होता है RC और ये R और यहां पर डबल बॉन्ड O, ये क्या बन गया कीटोन। तो हम कह सकते हैं कि जब अल्कोहलों का धातुओं के द्वारा भी हाइड्रोजनीकरण किया जाता है, उनकी वाष्पों को धातुओं पर प्रवाहित करते हैं, तो हमें एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होते हैं। प्राथमिक अल्कोहल एल्डिहाइड बनाते हैं और द्वितीयक अल्कोहल कीटोन बनाते हैं। अगली जो विधि है वो है एल्काइनों के एल्काइनों द्वारा तो एल्काइनों के माध्यम से भी हम यहां पर एल्डिहाइड्स और कीटोन का निर्माण कर सकते हैं। कैसे देखते हैं, हमने ये एथाइन लिया, एथाइन, तो जब एथाइन की क्रिया जल से कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है CH3, ये हाइड्रोजन है ये इस वाले पार्ट पर और ये CH से O यानी CHO, इसे इस तरह से समझ सकते हैं हम। तो यहां पर ये क्या बन गया एल्डिहाइड बन गया, एसिटल्डिहाइड होता है इसका नाम, एसिटल्डिहाइड जो क्या है एक एल्डिहाइड। तो हम एल्काइनों द्वारा एल्काइनों को जब हम जलयोजन कराएं तो भी हमें ये एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। और ये जब हम ये तो हो गई सममित एल्कीन, अगर इस तरह से एल्काइन लें जैसे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है प्रोपाइन। जब इसकी हम जल के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है कीटोन। कैसे, यहां पर क्या होगा ये ऑक्सीजन इस कार्बन पर आकर के जुड़ जाएगा, ये हाइड्रोजन इस वाले CH समूह पे जाकर जुड़ जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा CH3CO और ये CH3, तो ये बन गया कीटोन। तो एल्काइनों के जलयोजन द्वारा भी एसिड एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण किया जा सकता है। अब बात करते हैं केवल एल्डिहाइडों को बनाने की विधियां के बारे में। तो सबसे पहली जो विधि है केवल एल्डिहाइड बनाने की विधि, उसमें पहली जो विधि है वो रोजेन मुंड अपचयन अभिक्रिया द्वारा, रोजेन मुंड अपचयन अभिक्रिया द्वारा। यह अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है और लगभग हर साल एग्जाम में पूछी ही जाती है। तो इस रोजेन मुंड अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, जब हम किसी एल्केनॉइल क्लोराइड या एसिल क्लोराइड होता है COCl, तो जब हम इसकी क्रिया क्या कराते हैं, इसका अपचयन कराएं हाइड्रोजन से
रिएक्शन कराएं तो हमें, और किसकी उपस्थिति में कराएं, पैलेडियम और BaSO4 के द्वारा, तब हमें क्या मिलेगा, यहां से RCHO, R एक हाइड्रोजन यहां से और ये O, तो ये CHO हो जाएगा, ये H बचा और ये Cl एक, तो ये बाहर निकल जाते हैं, तो यहां पर HCl, तो मेन प्रोडक्ट हमारा यहां पर ये एल्डिहाइड फॉर्म हो जाता है। तो इस तरह से एसिल क्लोराइड, इसकी अभिक्रिया देख लेते हैं, जैसे मतलब एरोमेटिक अम्ल क्लोराइड लिया है, जैसे C6H5COCl प्लस का हाइड्रोजन, इसका हमने रिएक्शन कराया किसकी उपस्थिति में, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में, तब क्या होगा, यहां से ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन ये आपस में रिएक्ट करके बाहर निकल जाएंगे और ये बना लेंगे C6H5 और ये CHO, जो इसका नाम होता है बेंजल्डिहाइड। इसी तरह से अगर हम इसके स्थान पर कोई एल्किल समूह लेंगे तो फिर यहां पर एल्किल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी तरह से अगली अभिक्रिया है स्टीफन अभिक्रिया। स्टीफन अभिक्रिया क्या होता है, जब हम एल्किल नाइट्राइल, तो यहां पर एल्किल नाइट्राइल, नाइट्राइल क्या होता है, साइनाइड, तो यहां पर हम एल्किल साइनाइड भी कह सकते हैं, एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड का हम स्टेनस क्लोराइड यानी कि SnCl2 और कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की द्वारा इसका अपचयन कराएं, इसका रिडक्शन कराएं, तो हमें प्राप्त होता है यहां पर RCH और यहां पर NH, RCH और ये NH, तो ये बन गया एल्डिमीन, और इस एल्डिमीन का जब ये एल्डिमीन कहलाता है, इस एल्डिमीन का जब जल अपघटन कराएं, मींस जल द्वारा इसका अपघटन कराया जाता है, तो यहां से हमें प्राप्त होता है RCHO यानी एल्डिहाइड बन जाता है। एल्डिहाइडों को बनाने की अगली अभिक्रिया है ईटार्ड अभिक्रिया। इस विधि द्वारा भी हम एल्डिहाइड का निर्माण कर सकते हैं। तो जब हम टालुइन, ये टालुइन का फॉर्मूला होता है, टालुइन की क्रिया हम एसिटिक एनहाइड्राइड CH3COOCOCH3 से कराएं, तो हमें यहां पर क्या प्राप्त होगा, इस CH3 से दो हाइड्रोजन यहां से विस्थापित होंगे, और ये इतना भाग और ये इतना भाग, ये ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बाहर निकल जाएंगे, और इधर क्या ऐड हो जाएगा, C1H ऐसा का ऐसा ही, एक भाग में COCH3, दूसरे भाग से भी COCH3, जो तीन हाइड्रोजन यहां पर तीन बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए थे, उनमें से दो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बाहर निकल जाते हैं, और ये
इतना भाग हमें प्राप्त होता है। जब इसका अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराया जाता है तो हमें प्राप्त होता है यहां पर बेंजल्डिहाइड CHO यानी एल्डिहाइड। इसी तरह से जब टालुइन की क्रिया, ये CH3 टालुइन की क्रिया या तो कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में, इनमें से कोई सा भी हम ले सकते हैं, या तो कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर कार्बन डाइसल्फाइड, इसकी उपस्थिति में क्रोमेल क्लोराइड जिसका सूत्र होता है CrO2Cl2, इसके दो अणुओं के साथ में जब इसकी क्रिया कराते हैं तो हमें क्रोमेल, इस क्रोमियम का भूरे रंग का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलता है जो CH, यहां से दो हाइड्रोजन विस्थापित हुए हैं ठीक इसी तरह से, और क्या मिलेगा यहां पर OCrO और HCl2 का होल ट्वाइस, दो हाइड्रोजन थे तो इसके दो अणु यहां पर जाकर के लग गए। ये क्या है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, और कैसा कॉम्प्लेक्स है, ब्राउन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। तो जब हम इसका जल अपघटन कराते हैं तब हमें अंत में बेंजल्डिहाइड यानी CHO, इस बेंजल्डिहाइड की प्राप्ति होती है यानी एल्डिहाइड बन जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, नई वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।